नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। देखिए स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपकी सेकंड ग्रेड मैथ्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का जो वीडियो है स्टूडेंट, उसका जो पर्पज है वो ये है कि जो 11-10 को जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर कंडक्ट हुआ है मैथमेटिक्स का, उससे सेकेंड ग्रेड के एस्पिरेंट्स क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, क्या क्या ऐसी बातें हैं जिनको कि आप अपनी तैयारी के लिए उनसे उस पेपर से आप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो जो है वो इसी पर बेस्ड है कि आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिल सकती हैं उस 11-10 के पेपर से, ताकि आप, जैसे मैंने पहले बात स्टूडेंट, ये एक प्रकार से सेमीफाइनल है और फाइनल जो है, जो स्टूडेंट सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो फाइनल जो स्टूडेंट वो 17 से 24 के बीच में होगा। तो आपने यहां से क्या क्या सीखा, पहली बात स्टूडेंट कि ज्यादातर जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनके लिए बात कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, कि आप अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई धारणा किंतु परंतु नहीं बनाए इस पेपर को लेकर के, मतलब कि इस पेपर की कठिनता के स्तर को लेकर के या उसकी सरलता के स्तर को लेकर के, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि सर पेपर कठिन था, क्या इसी प्रकार का पेपर सेकंड ग्रेड में भी आएगा, या सर पेपर सरल था इसी प्रकार का पेपर सेकंड ग्रेड में आएगा, स्टूडेंट उसका इस पेपर से कठिनता और सरलता के लेवल को लेकर के कोई मैच नहीं है, दोनों के बीच में कोई सरोकार नहीं है, इस बात को आप अच्छे से बिठा लें। ठीक है, आपने पेपर देने गए, वहां से आपने कंटेंट वाइज क्या बातें सीखी वो आप यहां से इस पेपर से आप सीख सकते हैं, बाकी कठिनता और सरलता के स्तर को लेकर के बिल्कुल मत जाइए। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ये पेपर फर्स्ट ग्रेड का था, थोड़ा बहुत सिलेबस में अभी भी 10-15% फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के में अंतर है, ये फैक्ट बात है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट दोनों में थोड़ा सा अंतर तो है जो आप जैसे पेपर देखने के बाद लग रहा है। तो मैंने एक बात बता दी कि आप कठिनता और सरलता को लेकर के बिल्कुल भी दोनों के बीच में कोई भ्रम नहीं पाले। ठीक है, कि बिल्कुल इससे उलट पेपर सेकंड ग्रेड में आ सकता है और ऐसा भी आ सकता है स्टूडेंट, ये आप मान के चले बिल्कुल ऐसा ही आएगा या करीब आएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। जिस टॉपिक से क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछे आए जिस तरह के, हो सकता है सेकंड ग्रेड में वैसे नहीं आए, उससे डिफरेंट आए, क्योंकि स्टूडेंट देखने में आया कि इस बार के फर्स्ट ग्रेड में स्टूडेंट आपके भाषात्मक प्रश्न काफी सारे थे। जनरली इतने प्रश्न लैंग्वेज बेस्ड जो पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, इस बार कम से कम 8 से 9 प्रश्न थे जो बीएससी पार्ट के अलावा 11th-12th में भी वो क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड पूछे गए थे, ऐसा जनरली होता नहीं है, इस बार थे। तो सुन, ये ऐसा हमेशा चलता ही रहता है कि कभी कोई चीजें अचानक से अलग टाइप की आ जाती है, तब उसको लेकर के आप कोई पूर्व धारणा अपने दिमाग में नहीं बिठा लें। अब जो बात आपने इस टॉपिक से क्या सीखी, इस पेपर से जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने कोई भी टॉपिक तैयार किया हो उससे संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में मिला या नहीं मिला, पहली बात, और अगर मिला तो आपसे हल हुआ या नहीं हुआ वो आपको सीखना है इस पेपर से। जैसे कि आपने अगर 2D की तैयारी की है तो कितने क्वेश्चन आप 2D के इस बार इस पेपर से ले पाए, और जितने आपने किए उसमें से कितने सही हुए, ये इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि आपको इस 11-10 वाले पेपर से सीखना है कि बीएससी पार्ट में, जैसा कि आप सोच रहे थे कि मुझे क्वेश्चन इस अमुक टॉपिक से मिल पाएंगे, क्या वो आपसे सही हुए या नहीं हुए। तो इससे आपको यही सीखने को मिलेगा कि आपने जो आप सोच के चल रहे थे कि सर मेरा एक्सेप्ट एलजेब्रा वाला पार्ट अच्छा है, तो क्या आपको उसके जो 5 क्वेश्चन आए थे ग्रुप थ्योरी वाले, मैं रिंग थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ग्रुप थ्योरी 5 क्वेश्चन थे उसमें से क्या आप 4 क्वेश्चन या एटलीस्ट 3 क्वेश्चन भी आपके सही हैं क्या, है ना। अगर आपके 4 क्वेश्चन सही हैं आउट ऑफ 5 तो आप बिल्कुल सही तैयारी है आपकी, 3 है तब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर 2 सही है जिन टॉपिक को आप मान के चल रहे थे कि भाई ये मेरा क्वेश्चन इससे मुझे मिलेंगे 5 में से 4 तो कम से कम, नहीं तो अगर आप 2 पर आकर अटक गए हो 5 में से स्टूडेंट, तो फिर आपको सीधा सीधा रेड अलर्ट है कि आपको मेहनत और भी करनी पड़ेगी। यही आपको सीखना है इस पेपर से, ज्यादा कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसकी कठिनता और सरलता के स्तर को लेकर के, इस पर कोई विवाद में नहीं पड़ना है। ठीक है, आपको यही देखना है कि भाई अमुक टॉपिक से जो 5 प्रश्न आए 4 प्रश्न आए मुझे इसमें से कितने आ रहा है, क्या मुझे उसका 50% भी क्वेश्चन मुझे सही हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है लेस देन 50% स्टूडेंट, इसका मतलब मैंने साफ कह दिया है आपको उस टॉपिक के अंदर और भी ज्यादा जी जान लगा करके मेहनत करनी पड़ेगी।
बस यही केवल मात्र एक संदेश है जो कि इस पेपर से आप ग्रहण कर सकते हो इन ए पॉजिटिव मैनर, ठीक है। बाकी नेगेटिव तो बहुत सारे हो सकते हैं, नेगेटिव बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा ही पेपर आता है तो हम थर्ड ईयर की तैयारी कर लें, ऐसे स्टूडेंट मैसेज सेंड करते हैं, इसमें उसका कोई मतलब नहीं है ना। पेपर का लेवल, पेपर का स्तर हमेशा वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है, इसलिए स्टूडेंट इसको लेकर के आप कोई पूर्व धारणा अपने मन में नहीं बिठा ले, केवल आप पॉजिटिव मैनर में लें कि जो टॉपिक आप सोच के चल रहे थे मुझे इससे क्वेश्चन मिलेंगे और मैं सोल्व कर पाऊंगा, वो आप कितना कर पा रहे हैं। मैट्रिक डिटरमेंट आप घर से सोच के गए कि चलो यार मैट्रिक डिटरमेंट के 5-7 प्रश्न आएंगे, आए भी सही, लेकिन आपसे कितने सोल्व हुए, है ना। एलजेब्रा के क्वेश्चन आप मान लीजिए सर 15-20-25 के आसपास आएंगे, आपसे कितने सोल्व हुए, ये इंपॉर्टेंट है। खास यही मैसेज था इस वीडियो का कि आप उस चीज को परखें कि जो आप सोच रहे थे उस टॉपिक से, कंसर्न टॉपिक से क्वेश्चन कितने आपके सही हुए, नहीं हुए तो आपको सीधी सीधी बातें अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, यही एकमात्र इस पेपर से आप सीख सकते हैं। बाकी किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए वो चेंज हो जाएगा मामला, हर जरूरी नहीं जो इस बार नहीं आया, लाइक इस बार लिमिट कंट्रोल डिफिकल्टी का टॉपिक बहुत कम था, हो सकता है सेकंड ग्रेड में ज्यादा आ जाए, इसी दोनों का कोई लेना देना नहीं है आपस में। बीएससी पार्ट के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आ गए थे 5-7, हो सकता है सेकंड ग्रेड में आए और नहीं भी आए, है ना। तो इसको लेकर के आपको पूर्व धारणा नेगेटिव फॉर्मेट में नहीं बना लें, जो भी है आपको पॉजिटिव लेना है इससे, और पेपर दिया कुछ चीजें सीखी और फिर अपनी तैयारी पर लग जाना है ना। इसी पेपर को लेकर बैठे रहे 5-7-10 दिन तक कोई ज्यादा मतलब वाली बात नहीं है, आपको जो भी चीजें करनी है पॉजिटिव मेजर में ही करनी है, है ना स्टूडेंट। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, ओके थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।